अनुपमा सीरियल के 24 अगस्त 2024 के एपिसोड की शुरुआत होगी एक भयानक सपने के साथ। वनराज शाह किसी को कॉल करके काम बताएगा और उसके कुछ देर बाद अनुपमा के स्टॉल पर लफंगे हमला कर देंगे और तोड़फोड़ मचा देंगे। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करेगी और इसी बीच अनुपमा की आँख खुलेगी और वह घबरा जाएगी। साथ ही चैन की सांस लेते हुए कहेगी कि शुक्र है सपना था। अनुपमा और आशा भवन के सभी लोग ठेले पर काम करना शुरू कर देंगे। पहला ही ऑर्डर अच्छा आएगा जिसे सब मिलकर तैयार करेंगे। अनुपमा यह ऑर्डर डिलीवर करने का काम अनुज को देगी और जब बाला काका इसकी वजह पूछेंगे तो यह बताएगी कि उसे अनुज को काम करते देखकर अच्छा लगता है। अनुपमा बताएगी कि कैसे उसने अनुज को दिन रात मेहनत करते देखा है लेकिन अब तो पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं। अनुपमा के आश्रम में जहां खुशियां बिखर रही है वहीं दूसरी तरफ शाह निवास में माहौल बिगड़ता जा रहा है। किंजल को पता चल जाएगा कि तोसु अपने दोस्तों से लाखों रुपए उधार ले रहा है और उन्हें कह रहा है कि वापस उसके पिता से ले लें। वनराज शाह के पास जब तोसु के किसी दोस्त का कॉल आएगा और वह पैसा मांगेगा तो वनराज शाह के गुस्से का ज्वालामुखी फूट जाएगा। वह तोसु को बुलाकर सबके सामने उसकी क्लास लगा देगा। वनराज जब पूछेगा कि वह पैसा क्यों ले रहा है तो तोसु जवाब देगा कि शाह निवास बेचकर जो पैसे मिले थे उसमें मेरा हिस्सा था, उन्हीं पैसे से यह कर्ज चुका दीजिएगा। बाकी भी अपना हिस्सा मांग लेगी और तब वनराज उनसे कहेगा कि यह मेरे पिता का पैसा है, किसी को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। उधर मेघा के घर में आध्या को शौक लगेगा कि उसके डस्टबिन में अनु की रसोई नाम का पैम्पलेट पड़ा है। वह उसे उठाने की कोशिश करेगी लेकिन नाकाम रहेगी। तब वह मेघा के जाने पर अपने पिता से कहेगी कि बाहर से खाना ऑर्डर कर दें। वहीं अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मेघा के यहाँ से खाने का ऑर्डर आएगा और अनु जब खाना डिलीवर करके जाएगा तो उसके यहाँ से कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अनुपमा ये 30 रुपये जाकर लौटाने का फैसला करेगी लेकिन उसे लगातार यह एहसास हो रहा है कि मेघा कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो इस बार पैसे लौटाने जाएगी तो क्रॉस चेक करने का फैसला करेगी कि आखिर माजरा क्या है। अनुपमा जाकर मेघा और उसके पति से कहेगी कि उसके पास ये 30 रुपये ज्यादा आ गए हैं और उसका ईमान इन्हें लेने की गवाही नहीं देता। मेघा और कॉलेज के डीन ये पैसे ले लेंगे लेकिन फिर जाते वक्त अनुपमा को एहसास होगा कि उसकी बेटी आसपास है। अनुपमा यह ध्यान रखते हुए कि मेघा कुछ छिपा रही है बेहोशी का नाटक करेगी। मेडिकल का डीन और उसकी पत्नी अनुपमा को घर के भीतर ले आएंगे और उसे आराम करने की सलाह देंगे। वो उसे पानी पिलाएंगे और फिर कहेंगे कि अगर उसे ठीक नहीं लग रहा है तो उसे हॉस्पिटल चलना चाहिए। अनुपमा हॉस्पिटल नहीं जाने की बात कहेगी और फिर बेडरूम के पास अपना फोन गिरा देगी। अनुपमा फोन उठाने के बहाने झुकेगी तो आध्या को दरवाजे के पीछे झांकती पाएगी। अपनी बेटी को यूं बंधक बना देखकर अनुपमा सन्न रह जाएगी लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे आध्या उसे चुप रहने का इशारा करेगी। मुंह पर उंगली रखकर आध्या को चुप करने का इशारा करते देखकर अनुपमा समझ जाएगी कि यहाँ पर कुछ भी गलत कदम उठाने से मामला बिगड़ सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अनुपमा अपनी बेटी को मेघा की कैद से कैसे छुड़ाएगी। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।